नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। अवैध जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पूरे राज्य में कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इस मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय उपवास दिवस मनाया गया। मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार के नेतृत्व में ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से गलत तरीके से फंसाया गया है, उसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। देश में कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार की जाँच नहीं की जा रही है। सात्मक तरीके से अब गांधी जी की प्रतिमा के सामने, बापू वाटिका के सामने पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्तागण जो कई दिनों से लगातार साथ दे रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी का, और पूरे झारखंड में आपने देखा होगा कि कितनी मायूसी है, कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है कि एक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पीछे जिस तरह से जांच एजेंसियां पड़ी हुई हैं। देखिए, निष्पक्ष और तटस्थ भाव से अगर जाँच होती तो शायद सब लोग इस तरह से दुखी नहीं होते, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से जो पार्टियां भाजपा में, जो लोग भाजपा में नहीं हैं, ऐसी पार्टियों को चुन चुन कर, ऐसे लोकप्रिय नेताओं को जो उसके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, भ्रष्टाचार के केसेस तो उन नेताओं पर भी है, झारखंड में भी है बहुत सारे ऐसे नेताओं पर जो कि भाजपा में हैं, उनके यहाँ ना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना कोई जाँच करती है। आखिर ये क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभी चुनाव आ रहा है, आपने देखा होगा, लोकसभा है, विधानसभा है, इसमें टारगेट किया जाना क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की रक्षा करनी है, और इसीलिए हमारे तमाम पार्टी के जो हमारे कार्यकर्तागण हैं ये लोग यहाँ पर आज हिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं।